हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़ीज़ बहोरा आज से स्पोकन इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की फर्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बी फॉर्म्स। क्या पढ़ेंगे? बी फॉर्म्स। बी फॉर्म्स को ही हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ही यहाँ पर हमने क्या नाम दिया है? बी फॉर्म नाम दिया है। क्या कहा है यहाँ पर हमने उन्हें? बी फॉर्म्स। तो हमारे पास 6 बी फॉर्म्स है। कौन कौन से? इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी। हमारे पास टोटल कितने बी फॉर्म्स हैं? 6 बी फॉर्म्स हैं। कौन कौन से? इज, एम, आर, जो कि प्रेजेंट के बी फॉर्म्स हैं। ये इज, एम, आर, ये जो 3 बी फॉर्म्स हैं, ये किसके बी फॉर्म्स हैं? प्रेजेंट मतलब वर्तमान के। तो वर्तमान के हमारे पास कितने बी फॉर्म्स हैं? 3 बी फॉर्म्स हैं। कौन कौन से? इज, एम, आर। फिर उसके बाद है पास्ट। पास्ट मतलब भूतकाल के हमारे पास 2 बी फॉर्म्स हैं। कौन कौन से? वॉज या वर। वॉज एंड वर। पास्ट के हमारे पास 2 बी फॉर्म्स हैं। कौन कौन से? वॉज एंड वर। फिर उसके बाद है हमारे पास फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य। तो भविष्य के हमारे पास सिर्फ 1 बी फॉर्म्स हैं। कौन सा? विल बी। भविष्य का हमारे पास सिर्फ 1 बी फॉर्म्स। कौन सा? विल बी। तो हमारे पास टोटल कितने बी फॉर्म्स हैं? कितने हैं? 6 बी फॉर्म्स। प्रेजेंट के कौन कौन से हैं? इज, एम, आर। पास्ट का कौन सा है? वॉज, वर। और फ्यूचर का कौन सा है? विल बी। अब कौन सा बी फॉर्म्स किसके साथ लगता है? तो हमको पता है, सबसे पहले तो आई का मतलब क्या होता है? मैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। यू का मतलब क्या होता है? तुम। यू का मीनिंग क्या होता है? तुम। दे का मीनिंग क्या होता है? वे। अगर एक से ज़्यादा लोग कहीं पर हैं तो मुझे अगर वे बोलना है इंग्लिश में, तो वे के लिए हम क्या बोलेंगे? दे। वी का मतलब क्या होता है? हम। वी का मतलब क्या होता है? हम। ही का मतलब क्या होता है? वह। कब? जब लड़के के लिए बात करें। शी का मतलब क्या होता है? वह। कब? जब लड़की के लिए बात करें। और इट। इट का मतलब क्या होता है? यह। ये किसके लिए होता है? वस्तु के लिए। और नेम, किसी का नाम, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, राम, राधा, श्याम, अंकित, अर्जुन, कुछ भी हो सकते हैं। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट के आई के साथ क्या लगता है? एम। आई, एम। आई के साथ क्या लगता है? एम। आपको मेरे साथ रिपीट करना है, आई के साथ क्या लगता है? एम। तो हम क्या बोलेंगे? आई, एम। क्या बोलेंगे? आई, एम। फिर जो बहुवचन होते हैं, बहुवचन को ये हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लूरल। जो प्लूरल होते हैं, कौन कौन से प्लूरल हमारे पास? यू, दे, वी। तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? प्लूरल मतलब बहुवचन। बहुवचन के साथ लगता है आर। बहुवचन के साथ क्या लगता है? आर। और जो एक वचन होता है, एक वचन मतलब सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट, नेम, ये सब क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। तो एक वचन या जिसको हम सिंगुलर कहते हैं, उसके साथ क्या लगता है? इज। बहुवचन के साथ क्या लगेगा? आर। एक वचन के साथ क्या लगेगा? इज। और जो आई है, आई हमारा क्या है? स्पेशल है। आई अपने आप को कम समझता है क्या? नहीं, वो आई सबसे स्पेशल आई है, इसलिए उसके साथ क्या लगता है? एम। तो बोलो मेरे साथ, आई एम। बोलो, आई एम। यू आर, आपको मेरे साथ रिपीट करना है, यू आर। बोलो, यू आर, यू आर। दे आर, दे आर। वी आर, वी आर। ही इज, ही इज। शी इज, शी इज। इट इज, इट इज। मोहन इज, नेम में आप किसी का नाम आएगा, तो मोहन इज। राम इज, रोशनी इज, करीना इज। क्लियर है? तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। आई एम, यू आर, दे आर, वी आर, ही इज, शी इज, इट इज, नेम इज। इतना क्लियर है आप सभी को? सभी को क्लियर है? अब इन
बी फॉर्म्स की हेल्प से हम इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बोलेंगे, वाक्य कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, बी फॉर्म्स प्लस एडजेक्टिव। हम क्या पढ़ेंगे, बी फॉर्म्स प्लस एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण मतलब जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताता है। तो हम क्या पढ़ेंगे अब, बी फॉर्म्स प्लस एडजेक्टिव। तो अब अगर मुझे जैसे कि इंग्लिश में बोलना है कि मैं अच्छा हूँ, क्या बोलना है इंग्लिश में कि मैं अच्छा हूँ, तो मैं के लिए क्या आएगा, आई, और हूँ मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट के बी फॉर्म्स हमारे कौन कौन से हैं, इज, एम, आर। तो मैं के लिए लगेगा आई, आई के साथ क्या लगता है, एम, तो यहाँ मैंने लिख दिया एम। और अच्छा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड। अच्छा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम गुड। हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम गुड। अब अगर मुझे बोलना है कि तुम बुरे हो, क्या बोलना है, तुम बुरे हो, तो तुम के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। यू के साथ क्या लगता है, आर। और बुरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैड। बुरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैड। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू आर बैड। तो मुझे अगर इंग्लिश में बोलना है कि तुम बुरे हो, तो तुम बुरे हो के लिए इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, यू आर बैड। इतना क्लियर है। अब कोई बूढ़ा है, ठीक है, ओल्ड एज, ज़्यादा एज हो गई उसकी, तो ओल्ड को इंग्लिश में, ज़्यादा बूढ़े व्यक्ति को इंग्लिश में, वृद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओल्ड। वृद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओल्ड। तो अगर मुझे बोलना है कि वे बूढ़े हैं, क्या बोलना है मुझे, वे बूढ़े हैं, तो वे के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। दे के साथ क्या लगता है, आर। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे आर ओल्ड। ओल्ड मतलब वृद्ध, एक इसका मतलब पुराना भी होता है और वृद्ध के लिए भी हम ओल्ड का यूज़ करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, दे आर ओल्ड। क्या बोलेंगे हम, दे आर ओल्ड। फिर अगर मुझे बोलना है कि हम जवान हैं, अब वो तो वृद्ध है, वो ये बात मान ली, लेकिन अगर मुझे बोलना है कि हम क्या है, जवान है, तो जवान के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यंग। जवान के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यंग। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, हम के लिए इंग्लिश में बोलते हैं वी। वी के साथ क्या लगता है, आर। और जवान को इंग्लिश में बोलते हैं यंग, तो सेंटेंस क्या बनेगा, वी आर यंग। क्लियर है। अब अगर मुझे बोलना है कि कोई लड़का है और वो बहुत स्मार्ट है, कोई लड़का है और वो बहुत स्मार्ट है, तो मुझे बोलना है कि वह स्मार्ट है, तो वह के लिए इंग्लिश में क्या, किसका यूज़ करते हैं, ही के साथ क्या लगता है, इज। और स्मार्ट, तो ये स्मार्ट, तो ही इज स्मार्ट। हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज स्मार्ट। अब अगर कोई लड़की है और वह खूबसूरत है और मुझे बोलना है कि वह खूबसूरत है, तो खूबसूरत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल। लड़की के लिए खूबसूरत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल। तो लड़की है, तो लड़की के लिए क्या होगा, क्या सेंटेंस यूज़ करेंगे, शी के साथ क्या लगता है, इज़। और खूबसूरत के लिए क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुल, तो शी इज़ ब्यूटीफुल। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, शी इज़ ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है। अब मेरे पास कोई वस्तु है, मान लो मेरे पास एक पेन है और मुझे कहना है कि यह नई है, मतलब यह नया है। मेरे पास एक पेन है और मुझे क्या बोलना है कि यह नया है, तो यह मतलब इट। इट के साथ क्या लगता है, इज़। और नए के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यू। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इट इज़ न्यू। क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, इट इज़ न्यू। फिर उसके बाद अगर मुझे बोलना है कि राम बुद्धिमान है, तो राम क्या है, नाम। और नाम के साथ क्या लगता है, इज़। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, राम इज़ इंटेलिजेंट। बुद्धिमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, राम इज़ इंटेलिजेंट।
क्लियर है सभी को? इसी तरह से हम किसी लड़के का नाम भी ले सकते हैं कि राधा इज इंटेलिजेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि राधा बुद्धिमान है। तो बी फॉर्म्स प्लस एडजेक्टिव में हमने क्या सीखा, किसी की विशेषता कैसे बताते हैं, कि कोई अच्छा है, कोई बुरा है, विशेषता, कोई नया है, कोई पुराना है, कोई यंग है, कोई बूढ़ा है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब हमारा आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, नेम आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा बी फॉर्म्स आएगा इज, एम, आर, और फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब जो भी उसकी विशेषण है, गुड, बैड, ओल्ड, यंग, इंटेलिजेंट, न्यू। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ की, जगह की, व्यक्ति की, वस्तु की विशेषता बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं पोस्ट करूँगा। थैंक यू।